हम आ चुके हैं हलीम वाली शॉप पर, यहाँ से ये लेने लगे हलीम। मैं तब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, किधर हो? खौफनाक सर्दी की रात में मैं यहाँ अंधेरे में अकेले चल रही हूँ और वॉक कर रही हूँ। हस्बैंड मुझे छोड़ के जा चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज दिन का आगाज हो चुका है, दोपहर का टाइम है, खाने का टाइम हो चुका है। बस ये कहूँगी कि जुम्मे की तैयारियाँ हो रही थी तो इसलिए अभी इस ब्लॉग स्टार्ट किया। माशाल्लाह से आज जुम्मा है और हम लोगों ने जुम्मा भी पढ़ लिया है। और आप सब लोगों को कहूँगी बहुत बहुत मुबारक हो जुम्मा, और जुम्मे के दिन जो है ज़्यादा से ज़्यादा दुआ किया करें क्योंकि जुम्मे के दिन कबूलियत का दिन होता है। और बस ये कि बच्चे घर पर ही हैं, छुट्टियाँ हुई हैं, जुम्मा पढ़ कर आए हैं तो फ्रूट्स वगैरह लेकर आए थे, साथ में चिकन लेकर आए हैं। पपीता काटा जा रहा है, अब तो मेरा भी इंतजार नहीं करते कि राबड़ा को कह दूं कि वो पपीता काट दे। तो तुम्हें कहूंगा तुम आओगी काटोगी से खुद ना काम कर ले, वो बेहतर। अच्छा वो बोल कर सकते हैं, जब तक कर सकते हैं खुद करेंगे, जब नहीं कर सकेंगे तुम्हें बोल देंगे भाई। अच्छा ये बात सुने तो सही, लड़की हो रही है। लड़ नहीं रहा यार। कच्चा पपीता पक्का पपीता, 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 कच्चा पपीता पक्का, कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता। ये क्या है? आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, बहुत मजा आएगा। खाना बना रही थी और जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो मुस्तफा ये क्या किए, सारे जूते स्टैंड से लाकर यहाँ। ये क्या बना रहे हो? घर जूतों का कौन बनाता है भाई, जल्दी से इसे अपनी जगह पर वापस रखकर। नहीं तो खाना बन चुका है, चिकन पुलाव बनाया था, साथ में फिश वगैरह भी है, सालन भी है, रोटी भी थोड़ी सी रखी हुई थी। तो जिसको रोटी खानी होगी वो रोटी खा लेगा, जिसको चावल खाने वो चावल खा लेगा। हाथ धोए हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ी आप सब ने? शाबाश शाबाश, चलो बिस्मिल्लाह करेगा, मैं भी खाना खाती हूँ। जब बस ट्यूशन जाने लगे हैं और अहमद ने स्वेटर नहीं पहना था, सिर्फ डांट के मैंने पहनाया है। स्वेटर तो नहीं, खैर हुडी है। और बस जल्दी से जाओ, अल्लाह हाफिज़। सर्दियाँ आ गई है ना, अल्लाह हाफिज़। क्या 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 बहुत चंडू हो। तो मैंने चाय बना ली है, गर्मा गर्म चाय, और आपने वजू कर लिया? नमाज पढ़ के पियेंगे, फिर ठंडी हो जाएगी, फिर दोबारा गर्म करूंगी। चलो ठीक, आप पापा खाएंगे या अबू खाएंगे? पापा खाएंगे अबू खाएंगे? ये नमाज पढ़ने मजे जा रहे थे और शलवार कमीज देख लें, जुम्मा ही जुम्मा, जुम्मा मुबारक हो भाई। बहुत बहुत मुबारक लिख दिया। शलवार कमीज ना मैं बहुत कम पहनता हूँ, वही ना शलवार कमीज पहन के ऐसा लगता है कि या तो जुम्मा है या ईद है। आपको देख के ये लगता है कि जुम्मे को या ईद पे पहनते हैं, है ना? जल्दी आ जाइएगा चाय पीने के लिए। अभी भी मैं अम्मी के घर आई हूँ और अम्मी के घर से हमारा एक प्लान है, एक आंटी अम्मी की फ्रेंड है और हम लोग भी बहुत अच्छी उनसे दोस्ती और बातचीत है, तो हम उनके घर जा रहे हैं। आती नाती के लिए भी आना है और अम्मी मैं आंटी ना पिकनिक कर जाएंगे और मैंने उनके घर जाने के लिए एक गिफ्ट भी ले लिया है। बस एक वहाँ जाएंगे तो देखती हूँ, वहाँ हो सकता है ब्लॉग बनाना मुश्किल हो जाए, पर ये हम लोगों का इरादा है जाने का, तो बस आपके इंतजार हो रहा है, तो आप जैसे ही आएंगे तो लोग चले जाएंगे। ओके। और इनके घर में पूरे में अजीब सी स्मेल लगी है, मच्छर मार दवाई ना रही है। हाँ इसीलिए मुस्तफ़ा को मसला हो जाता है मच्छर मार दवाई से, क्योंकि स्प्रे से एलर्जी है। तो बस ये अल्लाह खैर करे, पंखे वंखे थोड़े चला दिए, स्मेल निकल जाए और आप ही का इंतजार हो रहा है, बस जल्दी 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 से आप ही आ रहे हैं। आप ही का इंतजार कर रहे थे और आप ही आ चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? क्या ठीक ठाक है? और यार हो तुम? चले हाँ बस चले, मैं कब से इंतजार कर रही थी आपका। चलो अभी भी आई हूँ, काम था एक दो, वो पूरा करके आई हूँ। हाँ चलो चलो जल्दी से चलते हैं क्योंकि हमने उन्हें कहा था हम आ रहे हैं। A few moments later. बस अभी अभी हम लोग आ चुके हैं आंटी के घर से और बस ये कि बच्चे भी ट्यूशन से आ चुके हैं, बॉल वगैरह से खेल रहे हैं और बस ये कि थोड़ी देर में घर जाऊंगी। इनके पापा कहाँ गए? यहीं पे थे ना? यहीं पर थे। मैं कह रही हूँ कि जाके मुझे मकई का आटा ला दो, मुझे यहाँ की मकई बड़ी पसंद है और मैंने वाइट मक्खन कहीं से लेना है और वाइट मक्खन लगा के मकई की रोटी पे मैंने खाना है। सर्दियों में सारी मजे मजे की चीजें याद आती हैं। खैर मैं इनसे यही कहूंगी, बल्ले नहीं खुराक का तेरिया। नहीं लगा देना वे, मुझे नशा नहीं लगा देना। अच्छा मुराबिया, मैं तब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, तुम किधर हो, क्या कर रही हो? यार ये अम्मी को ना रोटियाँ चाहिए थी, बनाने लगी थी अम्मी खड़े होकर, तो मैंने कहा मैं जाने से पहले आप काम से गए थे तो मैं रोटी बना देती हूँ अम्मी को पहले। तो ये कि अपने खाने का सोच रही हूँ, हलीम ले आते हैं। हलीम? हाँ ना, चावल रखे हुए थे वो खाने को दिल नहीं कर रहा, मैंने कहा चलो जाते हुए हलीम लेते हुए जाते घर। शॉप भी माशाल्लाह से नवाबी शॉप है। और क्या, सर्दी है? हाँ
सर्दी है है लेकिन इतनी ठंडी नहीं है। आरफिन घर चली गई है? जी चली गई। मजा आएगा लियो खाके। लेकिन मैं तो चावल खाऊंगा। लेकिन मां नहीं नहीं ब्रे मैं एक बात बताऊं चावलों पे हलीम डाल के खाएंगे। ओए 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 मजा है। हां मैं कल किसको देख रही थी बिरयानी पे हलीम डाल के खा रहा था कोई। इसी तुम्हारा दिल चल रहा है। हां तो चावलों पे डाल के देखेंगे ना कैसी होती है। फिर अब तब तक तो लगता है रोटी बन रही है। बस ये एक दो तीन अम्मी अबू को मैंने पूछा कितनी कितनी रोटी कह रहे एक 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 उस्मान की एक अबू की कमी की मैंने ऊपर भी थोड़ी बनना ले लेते नहीं पी नहीं खानी है पी नहीं खानी है इसीलिए तो स्मार्ट स्मार्ट है। बाबा जी A few moments later. पर हम लोग आए थे थोड़ा सा मोबाइल का काम था तो बस वो काम हो जाए तो फिर हम घर जाते हैं। घर नहीं जाना हलीम लेने जानी है। okay. तो हम फिर आ चुके हैं इस वाली बेकरी पर। मैं नाम बताने लगी थी नाम नहीं बताना और खैर बस अभी हम अंदर जा रहे हैं। आज फिर हमारी हो गई है ब्राउन ब्रेड ख़त्म। हमारी नहीं मेरी ब्राउन ब्रेड ख़त्म हो चुकी है और जब भी ब्राउन ब्रेड लेनी होती है मैं यहीं पर आती हूँ। खैर यहाँ पर रखी हुई थी अभी इन्होंने फिर सेटिंग चेंज कर दी है। अरे यहाँ पर नहीं है मुस्तफ़ा हमेशा की तरह अपनी ही जगह पे जा रहे हो और मुझे ब्राउन ब्रेड दिखी नहीं। इस बार ब्राउन ब्रेड इधर नहीं रखी हुई इन्होंने। ब्राउन ब्रेड इधर नहीं रखी हुई ना अंदर रखी हुई। ओए हमेशा यहाँ पे आके यही चीज़ें लेनी होती है कहीं और से भी बंदा ले लेता है। मेरी तो मजबूरी है कि ब्राउन ब्रेड लेने में यहीं आती हूँ। उसको भी पता चल गया कि चीज़ लेने यहाँ आते हैं हम। इतने सारे भी नहीं है तो मसाले हैं ना इन्हीं में से देख लो। इन्होंने मेरे ख्याल से वो लेस ख़त्म कर दिए हैं। इसको लेस नहीं दिख रही मिर्ची तो नहीं होगी। मैंने क्या लिया है निम्को है ना बिस्किट के साथ निम्को। वाह 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 ठीक है। ब्रेड ब्रेड ब्राउन ब्रेड ब्राउन ब्रेड पानी पानी बोतल ले ले कितना चलो और मुस्तफ़ा ने यहीं पे लगता है खाना शुरू कर देना है ना। चल 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 बैठ। और अब हम लेने जा रहे हैं हलीम। हलीम लेने जा रहे हैं ना चिकन या बीफ वो मिल जाए वो मिल जाए। और ये कह रहे हैं मूंगफली खानी और खांसी इतनी हो रही है। नहीं नहीं हो रही। खांसी करके दिखाओ। नहीं हो रही। ये करके दिखाओ। नहीं हो रही। नहीं हो रही पक्का हो गया। नहीं हो गया। नहीं हो रही। खौफनाक सर्दी की रात में मैं यहाँ अंधेरे में अकेले चल रही हूँ और वॉक कर रही हूँ। हस्बैंड मुझे छोड़ के जा चुके हैं बाइक से। उन्होंने मुझे नीचे फेंका और बोलते जाओ अकेली मैं साथ नहीं लेके जा रहा। और मुझे इतना ठंड लग रहा है आसपास से भी अंधेरा भी है ठंड भी है। इतना गलत किया ना इन्होंने मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपने मेरे साथ ऐसा बाइक ख़राब हो गई थी। मैं उसको धक्का लगवाया किसी से मैंने बोला चलो और बाइक ख़राब हो गई थी। मैं साथ पैदल चल रही थी तो मैंने सोचा थोड़ी शरारत थोड़ी मस्ती कर लूँ तो मैंने यह इसलिए की है मजाक की है। अरे यहाँ पर बंदा मिल गया वो ना डिफेंस में कहाँ बंदा मिलता है धक्का लगाने के लिए सोचो। हमारी पता नहीं क्या मसला बाइक को एक ही दफा ठीक करवा लो। करवा लेता हूँ जी। और जल्दी से बैठ जाओ इससे पहले कि कोई यहाँ पे देख दिखाओ पीछे सन्नाटा पड़ा हुआ है पता चले कोई मोबाइल छीनने आ जाए। यहाँ पूरा सन्नाटा पता चले मोबाइल लेके भाग। हम आ चुके हैं हलीम वाली शॉप पर। यहाँ से ही लेने लगे हलीम। बस हम हलीम लेंगे। और मुझसे क्या हो रहा है चिप्स खानी है नींबू खाने हैं मुझे दे दो ये पैकेट। नहीं तो हलीम ले लिए एक बीफ है और एक चिकन है जी। तो अभी अभी मैं घर पर पहुंच चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। और मैंने चाय साफ़ ही नहीं की थी अभी मैं साफ़ करती हूँ। किचन भी साफ़ करने वाला है और रोटी भी बनानी है। बस जल्दी से मैं सारे काम कर लूँ। चाय के और दोपहर के बर्तन भी रखे हुए हैं और मुझे जाना पड़ गया था किसी से मिलने। सांस खुला हुआ फिर बैठती हूँ। ओके बस अभी आटा बाल्टी में डालूंगी अभी भी खरीद के लाएँ क्योंकि आटा ख़त्म था। साथ साथ मैंने फ्रूट निकाल दिया है फ्रूट चाट बनानी है और हलीम तो ये रखी हुई आटा भी गूंदना है। फिर मैं सारे कामों से फारिग होकर आपको मिलती हूँ। मेरा फ्रूट चाट के लिए फ्रूट भी सारा कट गया। मैंने चावल भी निकाल दिए और साथ में हलीम भी बॉल में निकाल दिए। अभी इसमें मैंने चीनी नहीं डाली अम्मी के लिए। पहले मैं शुगर फ्री निकाल लूँगी अम्मी को भिजवाऊँगी और फिर अपने लिए इसमें चीनी डाल दूँगी ताकि थोड़ा सा ना जूसी जूसी सी लग जाए। और अम्मी के लिए इसलिए नहीं डाली कि उन्हें शुगर है। तो फिर मैं आपको मिलती हूँ ये सारे काम करके ये सब करके फिर मिलती हूँ आपको खाने के दस्तरखान पर जी। तो मैंने कहा था हम मिलते हैं खाने के दस्तरखान पर और बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना शुरू करते हैं। आप लोग भी बिस्मिल्लाह पढ़ लो और आप भी बिस्मिल्लाह पढ़ लो। और आप भी आजकल आप बहुत शरारती हो रहे हैं मेरे से मार खाएंगे। हम मैं भी खाना खा लूँ उसके बाद आपको मिलती हूँ। मुझे बताओ इसका वो मसाला कहाँ गया। हाँ इसमें चाट मसाला हरी मिर्ची लहसुन अदरक नींबू नहीं डालिएगा प्लीज। वो डाल दिया ना तो मैं फिर म्यूट हो जाऊंगी क्योंकि अभी भी गले में दर्द है। और मैं जिन आंटी के घर गई थी वहाँ कोल्ड ड्रिंक पीनी पड़ गई
और गला भी हल्का हल्का दर्द हो रहा है। हलीम को भी ठिकाने लगा दिया और फ्रूट चाट को भी ठिकाने लगा दिया और जो इनकी असल जगह थी इन्हें वहाँ पहुँचा दिया। अरे बर्तन को जो इनकी असल जगह है मैं वहाँ पहुँचाती हूँ। मैं बस यही कहूँगी कि 10:30 हो चुकी है और साथ साथ मैं अपने ब्लॉग को एंड करने लगी हूँ। आखिर मैं यही कहूँगी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दें और उसके अलावा अच्छे अच्छे से कॉमेंट भी करें। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, उसे भी फॉलो कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें, मेरे लिए दुआ करें। मिलूंगी कल नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।